छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनिंद्रगढ़ और सक्ति जिले का उद्घाटन किया। राजधानी रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि यहां रायपुर में विकास ठप है। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि प्रदेश में विकास भाजपा ने किया। वही जवाब में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जेपी नड्डा कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं। रमन सिंह और उनकी सरकार ने नवा रायपुर में हजारों करोड़ लगा दिए और बनाए क्या मैट्रेस की डिब्बी। वहीं हवा चलती है तो मंत्रालय की दीवारें हिलने लगती हैं, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं। वो भ्रष्टाचार का नमूना है, आज तक बस नहीं पाया। रमन सिंह वहां सीएम निवास नहीं बना पाए, आज खंडर पड़ा है। 15 सालों तक सरकार थी, उसे बसा क्यों नहीं पाए। वो तो छाती ठोक के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलने के लिए छाती ठोकने की जरूरत नहीं भाई। और दूसरी बात है, यदि नए राजधानी बनाए हैं, हमने कभी नहीं कहा हमने नए राजधानी बनाया है, कभी दावा ही नहीं किया। हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ लगा दिए है ना, और क्या बनाए हैं, तो माचिस की डिब्बी।